आज टेक्नोलॉजी सही मायने में डेमोक्रेटिक हो गई है, लोकतांत्रिक हो गई है। आपने भी देखा है कि डिजिटल फर्स्ट की हमारी अप्रोच ने कोरोना वैश्विक महामारी के इस दौर में देश के लोगों की कितनी मदद की। दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश जब अपने नागरिकों की मदद करने में संघर्ष कर रहे थे, खजाने में रुपये पड़े थे, डॉलर थे, पाउंड थे, सब था, यूरो था, लेकिन और देने का तय भी किया था लेकिन पहुंचाने का रास्ता नहीं था। भारत एक क्लिक पर हजारों करोड़ रुपये मेरे देश के नागरिकों के खाते में ट्रांसफर कर रहा है। ये डिजिटल इंडिया की ही ताकत थी कि जब दुनिया थमी हुई थी तो भी हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। अस्पतालों के सामने असाधारण चुनौती थी लेकिन डॉक्टर्स अपने मरीजों का इलाज टेलीमेडिसिन के जरिए भी कर रहे थे। ऑफिस बंद थे लेकिन वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। आज हमारे छोटे व्यापारी हो, छोटे उद्यमी हो, लोकल कलाकार हो, कारीगर हो, डिजिटल इंडिया ने सबको मंच दिया है, बाजार दिया है। आज आप किसी लोकल मार्केट में, आप सब्जी मंडी में जाकर देखिए, रेहड़ी पटरी वाला छोटा दुकानदार भी आपसे कहेगा कैश नहीं है, यूपीआई कर दीजिए। मैंने तो बीच में एक वीडियो देखा, कोई भिक्षुक भी डिजिटली पेमेंट लेता है, यानी ट्रांसपेरेंसी देखिए। ये बदलाव बताता है कि जब सुविधा सुलभ होती है तो सोच किस तरह सशक्त हो जाती है। साथियों, आज टेलीकॉम सेक्टर में जो क्रांति देश देख रहा है वो इस बात का सबूत है कि अगर सरकार सही नीयत से काम करे तो नागरिकों की नीयत बदलने में देर नहीं लगती है। 2G की नीयत और 5G की नीयत में यही फर्क है। देर आए दुरुस्त आए।